नमस्कार साथियों, ज्ञान बूस्टर कंप्यूटर शाला में मैं दीपक जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल बनाने के 6 तरीके सीखे थे। अगर वो वीडियो मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। टेबल में आज हम बात करेंगे लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब में सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन मतलब सिलेक्ट में हम किसी सेल को सिलेक्ट करना चाहें या किसी कॉलम को या रो को या फिर पूरी पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम सिलेक्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो जिस सेल पर मेरा कर्सर हाइलाइटेड था या कर्सर एक्टिव था वहाँ पर सिलेक्शन आ गया है। ठीक है, और कहीं पर मैं क्लिक कर दूंगा और सिलेक्ट सेल पर क्लिक करूंगा तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है सिलेक्ट कॉलम। मतलब अभी हमारा कर्सर जिस कॉलम में है उस कॉलम को हम सिलेक्ट कॉलम के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमने एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है तो जितने भी कॉलम इसमें एंगेज्ड दिखाई दे रहे हैं उतने सारे कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जिस सेल में हमारा कर्सर है वो सेल किस रो में है वो रो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। एक से ज़्यादा सेल्स को अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट रो पर क्लिक करेंगे तो जितनी सेल सिलेक्ट की थी और वो किन रोज़ के अंडर आती है वो सारी रोज़ सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। टेबल को सिलेक्ट करने के 2 तरीके हमने इससे पहले पिछले वीडियो में सीखा था, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसमें जाकर देख सकते हैं। पहला तरीका था इस प्लस हैंडल पर क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका था किसी सेल से सिलेक्ट करते हुए हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका है सिलेक्ट टेबल ऑप्शन में सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का मतलब आपको हर एक सेल के चारों ओर जो बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं ये बॉर्डर्स ही कहलाती है ग्रिड लाइंस। ठीक है, और अगर हम इस डॉक्यूमेंट को इस टेबल को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के दौरान ये ग्रिड लाइंस आती है नहीं ये हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑफिस बटन में चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो प्रिंट में कैसा आएगा सैंपल देखना हो तो हम प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू पर हमने क्लिक किया तो देखिए टेबल जो है आपके सामने प्रिंट होकर आ रही है और इसमें ग्रिड लाइंस यानी कि बॉर्डर्स भी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंटिंग के दौरान मतलब जब डॉक्यूमेंट को हम कागज़ पर प्रिंट करेंगे तब प्रिंट में ये बॉर्डर्स ना आए, तो इसके लिए फिर मैं सिलेक्ट कर लूँगा पूरी टेबल को। और हमने डिज़ाइन टैब ऑप्शन देखा था, डिज़ाइन टैब में बॉर्डर किया था और बॉर्डर में नो बॉर्डर, तो सारी बॉर्डर्स हट चुकी हैं। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं कि प्रिंट के दौरान अब ये बॉर्डर्स हमारे डॉक्यूमेंट में आएगी या नहीं। ठीक है, तो देखिए टेबल आ रही है लेकिन उसमें बॉर्डर्स नहीं आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमने प्रिंटिंग के लिए किया कि प्रिंट के दौरान सारा डेटा व्यवस्थित तरीके से आए लेकिन बॉर्डर प्रिंटिंग में ना आए। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर डाटा एंट्री करें तब हमें समझ में आए कि कौन सा डेटा कहाँ पर एंट्री करना है, मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित आएँ, इसीलिए हमें यहाँ पर बॉर्डर देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंट के दौरान वो बॉर्डर ना आए, तो इसके लिए फिर हमारे पास तरीका है लेआउट में व्यू ग्रिड लाइंस। तो व्यू ग्रिड लाइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रिड लाइंस यानी कि बारीक बारीक सी बॉर्डर्स दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, मतलब ये कि जब हम डाटा एंट्री का काम करेंगे तो बॉर्डर को देख कर हम आसानी से सही डाटा सही जगह पर इंटर कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के दौरान ये बॉर्डर्स आपको दिखाई नहीं देगी। ग्रिड लाइंस का मतलब कि प्रिंट के दौरान जो बॉर्डर आ रही है हम चाहते हैं कि प्रिंट में बॉर्डर ना आए, इसलिए हमने बॉर्डर को हटा दिया। लेकिन जब डाटा एंट्री करेंगे उस दौरान हमें बॉर्डर देखने की ज़रूरत होती है तो व्यू ग्रिड लाइंस से हम ग्रिड लाइंस को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। तो ये ग्रिड लाइंस सिर्फ डाटा एंट्री के दौरान दिखाई देगी टेबल में वर्ड की फाइल में, लेकिन प्रिंट के दौरान नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। टेबल प्रॉपर्टीज़ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेबल प्रॉपर्टीज़ का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में हमें टेबल से संबंधित कुछ जानकारियाँ दिखाई देंगी कि टेबल में अलाइनमेंट कैसा है या हम कैसा कर सकते हैं। ठीक है, या रो की सेटिंग, कॉलम की सेटिंग, सेल की सेटिंग, ये सारे ऑप्शंस का यूज़ करके हम और भी टेबल की एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। टेबल प्रॉपर्टीज़ को लेकर मैं एक कंप्लीट वीडियो तैयार करूंगा जिसमें टेबल, रो, कॉलम, सेल इन सभी के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको ओके कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। डिलीट का मतलब अगर हम किसी सेल को या कॉलम या रो को या फिर पूरी पूरी टेबल को डिलीट करना चाहें तो डिलीट ऑप्शन में जाकर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जिस सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं उस सेल पर हमने क्लिक किया या फिर उन सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं फिलहाल एक ही सेल में क्लिक करके कर्सर रख रहा हूँ और डिलीट ऑप्शन में मुझे मिलेगा डिलीट सेल्स। तो डिलीट सेल पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा डिलीट सेल्स का और उसमें सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। और जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए एक सेल डिलीट हो गया है लेकिन टेबल के लेफ्ट साइड में मतलब हमारे राइट साइड में जो सेल्स थे वो लेफ्ट में खिसक गए हैं। ठीक है,
कंट्रोल जेड करके हम इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिलीट सेल्स में शिफ्ट सेल अप। जैसे हम ओके करेंगे तो सेल डिलीट हो जाएगी और उसके नीचे वाली जो सेल थी वो सेल ऊपर खिसक जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड करके हम अंडू कर लेते हैं। डिलीट सेल में नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट इंटायर रो। अगर हम इंटायर रो सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे तो जिस सेल में हमारा कर्सर है वो सेल किस रो में एंगेज्ड है वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं और डिलीट सेल्स में डिलीट इंटायर कॉलम पर अगर क्लिक करते हैं हमारा कर्सर जिस सेल में है वो सेल किस कॉलम में है वो पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। ये तो हमने एक सेल में क्लिक करके कर्सर रखा। अगर हम एक से ज़्यादा सेल्स या कॉलम या रो को डिलीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है, जैसे मैंने 4 सेल्स सेलेक्ट किए हैं, तो डिलीट सेल पर जब मैं जाऊँगा तो शिफ्ट सेल लेफ्ट करूँगा तो देखिए 4 सेल जैसे डिलीट होंगे तो हमारे राइट हैंड साइड के 4 सेल लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके करते हैं। ये देखिए कंट्रोल जेड, ऐसे ही डिलीट सेल शिफ्ट सेल्स अप अगर करते हैं तो नीचे के 4 सेल्स ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड कर लेते हैं और ऐसे ही डिलीट इंटायर रो पर क्लिक करेंगे तो 2 रो यहाँ पर एंगेज्ड हैं इन सेल्स की वजह से तो दोनों की दोनों रो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड। और ऐसे ही अगर डिलीट इंटायर कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश और मैथ्स ये 2 कॉलम इंगेज्ड हैं, ओके कर देंगे तो दोनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम मतलब अभी हमारा कर्सर जिस कॉलम में है, जैसे कि मैंने 81 जो मार्क्स हैं इसमें कर्सर रखा हुआ है सेल में और ये सेल साइंस वाले कॉलम में है, तो जैसे ही मैं डिलीट कॉलम पर क्लिक करूंगा तो साइंस वाला पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैंने एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट किया तो देखिए 2 सेल सेलेक्ट कर लिए हैं तो 2 कॉलम इंगेज हो चुके हैं, एक मैथ्स वाला और एक सोशल साइंस वाला। डिलीट कॉलम पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो दोनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। ऐसे ही जिस सेल में हमने क्लिक किया है वो सेल कौन से रो में है, अगर उस रो को हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट रो ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे, और एक से ज़्यादा रोज़ को डिलीट करना हो तो एक से ज़्यादा सेल्स को हमने सेलेक्ट किए एक ही कॉलम में तो देखिए 1, 2 और 3, 3 रोज़ एंगेज हो चुकी हैं। अब डिलीट रोज़ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एंट्री नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों रोज़ डिलीट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब हमारी टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम या रोज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी एक सेल पर हमने क्लिक किया और इंसर्ट अबो पर हमने क्लिक कर दिया तो जिस सेल में हमने कर्सर रखा है वो सेल किस रो में है उस रो के ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही सिलेक्टेड सेल किस रो में है इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ये तो पहला तरीका हो गया। या फिर आप डायरेक्ट किसी रो पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इंसर्ट अबो पर क्लिक करेंगे तो ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी और इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने एक रो इंसर्ट की। अगर एक से ज़्यादा रोज़ इंसर्ट करना हो तो फिर जितने रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं उतनी रोज़ को हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने 2 रो सेलेक्ट कर ली हैं और इंसर्ट अबो पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो सिलेक्टेड रोज़ के ऊपर 2 नई रो इंसर्ट हो गई हैं, और मैंने 2 रो सेलेक्ट की और इंसर्ट बिलो पर क्लिक करूंगा तो सिलेक्टेड रोज़ के नीचे 2 नई रो इंसर्ट हो गई हैं। ठीक है, अब ऐसे ही कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे स्टूडेंट नेम के बाद मुझे फादर नेम भी चाहिए था तो मुझे एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम अगर चाहिए तो उसके लिए भी मेरे पास तरीका वही है। जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ उस कॉलम को सिलेक्ट किया और इंसर्ट राइट, तो सिलेक्टेड कॉलम के राइट में एक नया रो नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और ऐसे ही अगर इंसर्ट लेफ्ट करूँगा तो सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर भी अगर कोई एंट्री करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट अगर करना हो तो एक से ज़्यादा कॉलम्स को हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और इंसर्ट लेफ्ट पर जैसे क्लिक किया तो 2 कॉलम सेलेक्टेड थे तो 2 नए कॉलम इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन की वजह से लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुके हैं। ऐसे ही फिर से मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए और इंसर्ट राइट किया तो सिलेक्टेड कॉलम के राइट हैंड साइड पर 2 नए कॉलम इंसर्ट होकर आ गए हैं। ठीक है, या फिर कॉलम इंसर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, जहाँ पर भी आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस कॉलम में किसी भी एक सेल में क्लिक करके कर्सर रख देंगे और इंसर्ट लेफ्ट या राइट पर क्लिक करेंगे तो उस सेल के लेफ्ट में या फिर उस सेल के राइट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो कहीं भी टेबल में कोई कॉलम या रोज इंसर्ट करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। अब इसके अलावा हम राइट क्लिक पर भी हमें इंसर्ट ऑप्शन मिल जाता है, और ये चारों ऑप्शन हमें डायरेक्ट इंसर्ट में यहाँ पर मिल जाएगा और मिल जाएगा, और ऐसे ही डिलीट सेल्स भी। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल का मतलब दो या दो से अधिक सेल्स को सिलेक्ट करके जोड़ना, मतलब एक कंबाइंड सेल बनाना। जैसे मैंने यहाँ पर चार सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है और मर्ज सेल पर मैंने क्लिक कर दिया, तो मर्ज पर क्लिक करते ही देखिए चारों सेल मिलकर एक कॉमन सेल बन चुकी हैं। जिस तरह भी सिलेक्ट करेंगे, चाहे रो में या कॉलम में, मर्ज करने पर वो सभी सेल्स जुड़कर एक कॉमन सेल बन जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे ही स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल का मतलब जिन सेल्स को हमने मर्ज किया हुआ है उन सेल्स को अनमर्ज करने के लिए हम स्प्लिट सेल का यूज कर सकते हैं। स्प्लिट सेल्स का मतलब किसी सेल को अलग अलग सेल्स में डिवाइड करना। तो जैसे स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा स्प्लिट सेल्स, और इसमें हमसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि इस सेल में कितने कॉलम होना चाहिए, और नंबर ऑफ रोज, मतलब इस रो में कितने रो हमें चाहिए। टोटल मार्क्स एक ही कॉलम है, मतलब हमें एक ही कॉलम चाहिए, तो एक कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर कितनी रोज के सेल्स को हमने जोड़ा था, 1, 2, 3 और 4, मतलब ये कि 4 रोज के सेल्स को हमने जोड़ा था, तो हमने रो सेलेक्ट किया 4 और ओके। तो स्प्लिट सेल्स से एक सेल के 4 टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, या फिर हम कहीं किसी एक सेल में क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल पर क्लिक कर देंगे, इस सेल में हमें कितने कॉलम और कितने रो चाहिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे कॉलम चाहिए इसमें 2 और रो चाहिए 3, तो मैंने जैसे ही ओके किया तो इस सेल में 2 कॉलम और 3 रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं एक नई रो इंसर्ट करने जा रहा हूँ, जैसे हेडिंग के ऊपर एक नई रो चाहिए, तो मैंने पहली रो को सेलेक्ट किया और इंसर्ट अबो, तो ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी से लेकर संस्कृत तक, मैं इन सभी सेल्स को एक कॉमन सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट किया और मर्ज सेल, तो ये सभी सेल मिलकर एक सेल हो गई है। अब मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ऐसे ही सीरियल नंबर के ऊपर एक सेल ब्लैंक सेल पड़ा हुआ है जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो इन दोनों सेल्स को हमने सेलेक्ट किया और मर्ज, ऐसे ही इन दोनों को सेलेक्ट किया और मर्ज सेल्स, ऐसे ही सबसे लास्ट में टोटल मार्क्स और उसके ऊपर वाले सेल्स को सेल को सेलेक्ट किया और मर्ज सेल। ठीक है, तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। अब अगर अनमर्ज करना हो, यानी कि स्प्लिट करना हो, तो वही तरीका, सेल में कहीं पर भी क्लिक किया और स्प्लिट सेल, कितने कॉलम और कितने रो चाहिए हम आसानी से कर सकते हैं। तो मर्ज का मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ना और एक सेल बनाना, और स्प्लिट का मतलब एक सेल को डिवाइड करना अलग अलग सेल्स में। अब स्प्लिट टेबल मतलब टेबल को डिवाइड करना। स्प्लिट सेल्स से हमने सेल को डिवाइड किया था और स्प्लिट टेबल से हम टेबल को डिवाइड कर देंगे। नेहा वाले रो में हमने क्लिक किया और स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दिया, तो देखिए 2 भागों में ये टेबल टूट गई है। एक टेबल को मैं उठाकर नीचे करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तो नेहा पर हमने कर्सर रखा था, तो नेहा के पहले वाले सारे एंट्रीज ऊपर की टेबल में रह गई है और नेहा के बाद वाली सारी एंट्रीज नए टेबल में आ चुकी हैं। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। मैंने शिवानी वाले रो में क्लिक किया स्प्लिट टेबल, तो 2 टेबल हो चुकी है। अब एक टेबल को उठाकर हम नीचे रख लेते हैं, तो देखिए नेहा एक टेबल में हो गई है और बाकी की उसके बाद वाली एंट्रीज अगले टेबल में आ चुकी है। स्प्लिट सेल्स का मतलब सेल को डिवाइड करना और स्प्लिट टेबल का मतलब टेबल को डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो फिट कंटेंट के बारे में। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब टेबल में जितने भी कॉलम है और हर कॉलम में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप टेबल फिट हो जाएगी, मतलब ये कि सिकुड़ जाएगी। या टेबल में अगर टेक्स्ट का साइज ज़्यादा बड़ा हो, जैसे मैथ्स को मैंने किया मैथमेटिक्स, तो देखिए जितना बड़ा टेक्स्ट में टाइप कर रहा हूँ टेबल का वो कॉलम अपने आप बड़ा होता जा रहा है, उसकी विड्थ अपने आप बढ़ती जा रही है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो मतलब कि वर्ड का जो पेज है, पेज के अकॉर्डिंग अपने आप पूरी टेबल फिट हो जाएगी, पेज की मार्जिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब मैंने जैसे ऑटो फिट कंटेंट लिया था, कोई नया टेक्स्ट टाइप कर रहा था तो अपने आप टेक्स्ट का साइज बढ़ रहा है, तो अपने आप कॉलम का साइज भी बड़ा होता जा रहा था। लेकिन अगर हमने फिक्स्ड कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर लिया है, तो अब अगर हम टाइप करते हैं तो कॉलम का साइज फिक्स्ड हो चुका है, मतलब ये कि अब कॉलम का साइज बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आगे टाइप किया मैथमेटिक्स, देखिए मैं टाइप करते जा रहा हूँ तो अपने आप रो का साइज बढ़ता जा रहा है और कॉलम का साइज फिक्स्ड हो चुका है।
ठीक है, तो फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब टेक्स्ट जितना बड़ा होगा कॉलम का साइज भी उतना ही बड़ा होगा, और फिक्स द कॉलम विड्थ का मतलब एक कॉलम का विड्थ फिक्स हो चुका है, और अब अगर टेक्स्ट टाइप करेंगे तो रो का साइज बढ़ता जाएगा लेकिन कॉलम का साइज चेंज नहीं होगा। और ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो का मतलब विंडो के अकॉर्डिंग यानी कि पेज के अकॉर्डिंग पूरा टेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे हाइट और विड्थ में भी ऐसा ही हम कर सकते हैं, मतलब कि किसी कॉलम या रो की लंबाई चौड़ाई हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हाइट के बारे में। हाइट का मतलब जिस रो में हमारा कर्सर है उस रो की हाइट को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या एक से ज़्यादा रो में हम करना चाह रहे हैं तो एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, या फिर एक से ज़्यादा रो को हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने 3 रो सिलेक्ट कर लिए हैं और हाइट मैंने बढ़ाई या घटा दी। ठीक है, और हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर कोई आंकड़ा टाइप करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 0.01 की जगह लिख दिया है 1 और एंटर, तो अपने आप उस साइज़ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही विड्थ, विड्थ मतलब कि कॉलम की बात हो रही है कि कॉलम का की चौड़ाई कितनी होना चाहिए। तो मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और विड्थ, तो विड्थ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो कॉलम का साइज़ में बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, यानी कि कॉलम की विड्थ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज। डिस्ट्रीब्यूट रोज का मतलब जितने भी रोज हैं उन रोज को हम चाहते हैं कि एक जैसे साइज में आ जाएं। तो जिन जिन रोज को मैं चाह रहा हूँ उन रोज को मैंने सेलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो सारी रो इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट होकर आ चुकी हैं। ऐसे ही कॉलम को अगर हम सेम विड्थ में लाना चाह रहे हैं तो हमने जितने कॉलम चाह रहे उतने कॉलम्स को सिलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो जितने भी कॉलम ने सेलेक्ट किए हैं वो दोनों इक्वल साइज में इक्वल विड्थ में कन्वर्ट होकर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट को किसी सेल में कहाँ हमें अलाइन करना है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में हम अलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं टेबल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस छोटे से पॉइंट का यूज़ करके। ठीक है, तो जिन सेल्स को हम चाह रहे हैं उन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, मिडिल, जहाँ पर भी हम किसी सेल में टेक्स्ट को करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो हम जिस टेक्स्ट को चाह रहे हैं उसको हमने सेलेक्ट किया और उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन, तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया और क्लिक करेंगे तो दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, और क्लिक करेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो जिस भी तरफ हम टेक्स्ट को की डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन मतलब किसी सेल में जो टेक्स्ट है उसके चारों ओर आपको जो स्पेस दिखाई दे रही होती है वो है सेल मार्जिन। तो सेल मार्जिन का मतलब टेक्स्ट के लेफ्ट में, राइट में, ऊपर या नीचे कितनी स्पेस होना चाहिए हम सेल मार्जिन से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम सेल मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो टेबल ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में सेल की मार्जिन को हम चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे टॉप सेलेक्ट किया और टॉप का आंकड़ा मैंने चेंज कर दिया और ओके। तो जैसे ओके करेंगे सेल में जो ऊपर की मार्जिन है वो बढ़ चुकी है। फिर से हम चलते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से हम चलते हैं सेल मार्जिन, बॉटम करेंगे तो सेल के प्रत्येक सेल में नीचे की स्पेस आपको बढ़ती हुई दिख रही है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो प्रत्येक सेल में लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस बढ़ जाएगी, कंट्रोल जेड करते हैं। और अगर हम राइट करेंगे तो प्रत्येक सेल के राइट हैंड साइड की मार्जिन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक सेल में लेफ्ट, राइट या टॉप बॉटम में कितनी मार्जिन हम चाहते हैं सेल मार्जिन में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है रोज को किसी विशेष क्रम में जमाना। मतलब ये कि जैसे हमारे पास 12 स्टूडेंट की लिस्ट है और अगर मान लीजिए ये लिस्ट बहुत बड़ी होती है और इसमें से इंडिविजुअली किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें चेक करना है, उसके मार्क्स देखना है, तो फिर हमें उसे ढूंढने के लिए सारी लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, इसमें हमें बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर ये सारा डेटा हम एक अल्फ़ाबेट के क्रम में अरेंज कर दें तो किसी भी स्टूडेंट के नाम को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले यू से उषा नाम है, फिर ए से अजय नाम आ गया, फिर वी से विजय, फिर पी से प्रदीप आ गया, फिर बी से बबीता आ गया है। मतलब कि स्टूडेंट के नाम जो हैं वो रेंडम है और इनको मैं अल्फ़ाबेट के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे पास तरीका है सॉर्ट। सॉर्ट पर क्लिक करते हमारे सामने एक सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर हमसे पूछेगा सॉर्ट बाय, मतलब आप किसके अनुसार इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो सीरियल नंबर के स्थान पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट नेम। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग सारा डेटा अरेंज हो जाए, तो स्टूडेंट नेम सेलेक्ट किया और यहाँ पर पूछ रहा है जिस फील्ड को सिलेक्ट किया है उसमें कोई नॉर्मल टेक्स्ट है या कोई नंबर्स हैं या फिर डेट है।
तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हमने टेक्स्ट ही सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इस डेटा को हम किस क्रम में रखना चाह रहे हैं, असेंडिंग मतलब कि बढ़ते क्रम में, मतलब पहले ए से आने वाले नाम, फिर बी, फिर सी, फिर डी से लेकर जेड तक, या फिर डिस असेंडिंग मतलब कि उल्टे क्रम में, यानी कि पहले जेड से आने वाले नाम और इस तरह से ए तक। तो हम इसे असेंडिंग करना चाह रहे हैं और ओके। तो ओके करते ही देखिए, पहले ए से आने वाला नाम अजय, फिर बी से बबीता, फिर सी से चेतन, और इस तरह से ए से जेड तक सारे नामों की लिस्ट अरेंज हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर सीरियल नंबर भी आपको दिख रहा है चेंज हो गए हैं इन नामों के अनुसार। सभी के मार्क्स भी उनके साथ में अरेंज हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और एक बार फिर से हम इसको करते हैं। मैं बबीता के मार्क्स को सिलेक्ट करके हाईलाइट कर देता हूँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब नाम सॉर्ट होंगे और सारे नाम ऊपर नीचे शिफ्ट होंगे, तब बबीता के जो मार्क्स हैं वो बबीता के साथ में ही जाएंगे या फिर यही रह जाएंगे, ये हम चेक करने वाले हैं। तो हमने फिर से सॉर्ट पर क्लिक किया, स्टूडेंट नेम, असेंडिंग और ओके। तो देखिए सारे नाम अल्फाबेटिक आ चुके हैं, पहले ए से अजय, बी से बबीता, सी से चेतन और जेड तक, और बबीता के जो मार्क्स थे वो आपको उसके साथ में ही आते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि स्टूडेंट नेम का कोई नाम ऊपर नीचे जा रहा है तो उसके साथ में उसकी रो का पूरा डाटा भी उसके साथ में ही शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर से हम करके देखते हैं एक बार सॉर्ट। हम अगर हिंदी के मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे सॉर्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हिंदी के टीचर ने कहा कि जिन बच्चों के हिंदी में मार्क्स सबसे कम हैं उन बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी, और जिनके सबसे अच्छे मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उन बच्चों को रिवॉर्ड मिलेगा। तो हम हिंदी के अंकों के अनुसार इस टेबल को अरेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने किसी एक सेल पर क्लिक किया, सॉर्ट पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है हिंदी। तो हिंदी सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर आ गया है, क्योंकि हिंदी वाले कॉलम में सिर्फ नंबर है, और इसको बढ़ते या घटते क्रम में रखना है तो हम बढ़ते क्रम में रखना चाह रहे हैं, और डिसअसेंडिंग अगर कर देंगे तो घटते क्रम में आएगा। तो डिसअसेंडिंग करके देखते हैं। ओके करते ही हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम से लेकर सबसे कम मार्क्स किसके हैं वहाँ तक ले गया। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसअसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें अरेंज करना हो तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट या वो फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे और असेंडिंग या डिसअसेंडिंग कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हम इसे फिर से सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, सीरियल नंबर असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में और ओके। तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा फिर से सॉल्व होकर आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का मतलब हमारी जो टेबल है, टेबल में जो सबसे पहली रो है मतलब हेडर रो है, हम चाहते हैं कि हर पेज पर जितने भी टेबल्स हों हर टेबल में ये हेडर रो ऑटोमेटिक आ जाए, मतलब हमें टाइप ना करना पड़े। तो इसके लिए पेज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें। मेरे पास फिलहाल एक ही पेज है। अगर मैं सबसे लास्ट सेल में क्लिक करता हूँ और टैब का यूज़ करता हूँ तो नए रोज इंसर्ट होते जाएंगे। पहला पेज कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर नए रो इंसर्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस दूसरे पेज के टेबल में भी हेडर रो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास तरीका है। सबसे पहले जिस रो को हम चाहते हैं हर पेज पर आए उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर उसमें क्लिक करके कर्सर रख लेंगे और रिपीट हेडर रो पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही अगले पेज की टेबल में भी ऑटोमेटिक वो रो इंसर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, हम एक बार फिर से करते हैं। मैं सबसे लास्ट सेल में क्लिक करता हूँ और टैब बटन का यूज़ करके नई रोज इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिक नए पेज पर भी हेडर रो इंसर्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, पहले पेज की पहली रोज जो रो है उस पर क्लिक करेंगे, इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो अब सारे हेडर जो है वो हट गए हैं। और फिर से अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो सारे पेजेस पर हेडर रो ऑटोमेटिक आ चुकी है। मतलब मैं दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पर बार बार ये हेडर या हेडिंग टाइप करने से बच गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और पुरानी फाइल पर आ जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू यानी हमारी जो टेबल है हम चाहते हैं कि उस टेबल को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, मतलब सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर हमने क्लिक किया। अब कन्वर्ट करने के बाद में जो डेटा हमारे सामने आएगा वो कैसा होना चाहिए, मतलब पैराग्राफ वाइज होना चाहिए। तो हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और ओके। तो सारा जो डेटा है देखिए पैराग्राफ वाइज कन्वर्ट होकर आ गया। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारे हेडिंग एक पैराग्राफ में हो गए हैं। उसके बाद जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे दूसरे पैराग्राफ में आ चुके हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं लेआउट टैब, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है टैब। टैब पर अगर हमने टैब को अगर हमने एक्टिव रखा है और ओके किया तो सारा डेटा टेबल के अकॉर्डिंग ही अरेंज्ड होगा, मतलब कि हर एक टेक्स्ट के बाद में टैब से स्पेस देकर डेटा को अरेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो टेबल थी वो टेबल हट चुकी है, सिंपल सा टेक्स्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कॉमा।
कॉमा सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो जितना भी डेटा है वो कॉमा से सेपरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, सीरियल नंबर कॉमा, स्टूडेंट नेम कॉमा, मतलब सारे जो सेल्स का डेटा था वो कॉमा से सेपरेट करके आ गया है। कंट्रोल जेड। और नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट में अदर। अदर का मतलब हमारा जो डेटा है वो हम किस सिंबल से सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पर ले लिया है डैश और ओके। तो जितना भी डेटा था वो सारा सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ गया है और प्रत्येक सेल के डेटा को अलग अलग डैश के द्वारा सेपरेट कर दिया गया है। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट में हम अपने टेबल के डेटा को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पर उसके लिए कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करके रखना है, टैब के द्वारा सेपरेट करना है, कॉमा के द्वारा सेपरेट करना है, या फिर और किसी सिंबल के द्वारा सेपरेट करना है। तो जो भी हम चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करके हम ओके कर देते हैं, तो वैसे ही डेटा टेबल से कन्वर्ट होकर एक सिंपल सा टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जैसे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हमारी इस वर्ड की सिंपल सी टेबल में भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास तरीका है फॉर्मूला ऑप्शन। ठीक है, तो मैं जैसे चाह रहा हूँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के टोटल मार्क्स इस कॉलम में आ जाए। ठीक है, तो टोटल करने के लिए मैं अगर कैलकुलेटर उठाता हूँ तो एक एक को मैं टोटल कब तक करता रहूँगा, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स, इतना सारा डेटा हम कब तक टोटल करेंगे। तो बजाय इतनी मेहनत करने के हमारे पास सीधा तरीका है फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मूला पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इक्वल सम लेफ्ट। कोई सा भी फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम सम का फॉर्मूला कर रहे हैं, सम का मतलब जोड़ना। और फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है इक्वल सम लेफ्ट, मतलब कि जिस सेल में हमने कर्सर रखा हुआ है उस सेल में ये सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसके लेफ्ट साइड के सारे सेल्स में जो डिजिट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हें टोटल कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए इन सभी सब्जेक्ट्स का टोटल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर से हम करके देखते हैं। अगले सेल में फॉर्मूला पर क्लिक किया तो हमारे सामने फॉर्मूला का डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें आ गया है इक्वल सम अबो। अबो मतलब ऊपर वाले सेल का टोटल करेगा, लेकिन हमें अबो नहीं करना है, हमें तो यहाँ पर चाहिए लेफ्ट। टाइप किया लेफ्ट और ओके। तो इस सेल में अजय के सभी सब्जेक्ट्स का टोटल आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक सेल में हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले से जो टोटल यहाँ पर आया है क्या वो टोटल सही है, इसको चेक करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लेते हैं। ये कैलकुलेटर, और एक एक को हम करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला है 76, 76 प्लस 87 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 56 प्लस 54 इक्वल, तो 416 हमने जो कैलकुलेटर से रिजल्ट निकाला है 416, और हमारा जो फॉर्मूला था फॉर्मूले ने भी बिल्कुल सही रिजल्ट यहाँ पर दिया था। मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह हम वर्ड की इस सिंपल सी टेबल में भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आज के वीडियो में लेआउट टैब के ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी टूल को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।